मंगल सूत्र जो हम उसके मनकों के बारे में, उसके मोती और उसके रत्न के बारे में आपको बता रहे हैं, तो यहाँ महामंगल सूत्र या मंगल सूत्र नंबर 8 है, जिसमें 22, 23, 24, 25 और 26 पांच गुण उसमें दिए हुए हैं, 22 से लेकर 26 तक। 22वां जो ये जो सूत्र है ये इस प्रकार है, 8वां सूत्र है, गार्वो च निवातो च संतुष्टि च कतुयता कालेन धम्म सवन एतं मंगल मुत्तमंग। गार्वो च, गार्वो च का मतलब है कि गार्वो जो बोलते हैं वो बाद में शब्द बन गया गौरव, इसको गार्वो है, यानी कि गार्वो करना है। क्या गौरव करना है कि जो आपसे बड़े हैं, जो जानकारी में, यहां तक कि अगर छोटा भी कोई है तो आपको उसे एक गौरव देना है, उसका सम्मान करना है, उसको आदर देना है, उनकी रिवरेंस देना है। तो गौरव आपको देना है, ये मंगल मुत्तमंग है, यानी मंगलों में उत्तम है कि आप जो भी व्यक्ति आए उसको आदर दें, सम्मान दें, तो वो भी आपको बदले में आदर और सम्मान देगा, भले चाहे वो छोटा है या बड़ा है। क्योंकि अगर आप किसी को आदर सम्मान नहीं देंगे तो बदले में आदर सम्मान मिलने का चांस बहुत कम है। सामने वाली कोई मजबूरी होगी, कोई आपसे छोटा होगा, कोई आपके नीचे काम करता होगा, आपकी फैक्ट्री में काम करता होगा, या मजदूर होगा, या आपसे पैसा चाहिए था होगा उसे, या कोई शिक्षा चाहिए, उसके बाद भी वो बिना सम्मान के वहाँ बैठा रहेगा अपने काम के लिए, मगर आपको मन से सम्मान नहीं देगा। आप उसके चेहरे से, आंखों से देख सकते हैं, ये ठीक ऐसे है कि जैसे आप किसी रिक्शे वाले को ओए कह के बुलाएं, तो बेशक रिक्शे वाला आपको ले जाएगा, आपका आपसे पैसा भी लेगा, मगर आपको सम्मान नहीं देगा, और बिल्कुल भी वो सम्मान उसके चेहरे पे कहीं आएगा नहीं, उसकी आवाज़ भी कर्कश होगी और वो बिल्कुल एक मशीन की तरह काम करेगा, उसमें इमोशंस नहीं होंगे, उसमें प्यार नहीं होगा। यानी कि अगर वो जो रिक्शा है, अगर वो आके टकरा जाए या गिर जाए या घायल हो जाए, तो उसे कोई सहानुभूति अपनी सवारी से नहीं होगी, क्योंकि उसने जो शुरुआत की है वो अपमान के साथ की है, अपमान के साथ में बुलाया है, उसके चेहरे उसकी वाणी में अपमान है, ये बात रिक्शे वाले को पता चल जाती है। या अगर आपके यहाँ नौकर काम करते हैं और नौकर का, जैसे मैंने बाबू का आपको वीडियो बना के इसमें दिया हुआ है कि बाबू कैसा करता था, कि एक यहाँ नौकर था और बाबू को वो लोग बहुत ज़्यादा बदतमीजी से बुलाया करते थे, और बाबू अपनी बदतमीजी का जवाब उनके चाय में, उनकी सब्जी में थूक मिलाकर या लेटिन करके आया, टट्टी करके आया, तो हाथ नहीं धोए, आटा वैसे ही मार दिया, या क्या बोलते हैं जो गंदी चप्पल वगैरह हैं ऐसे ही उठा के और वैसे ही, या माथे पे पसीना आया तो वैसे ही पसीना लेके, वो कोई साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता था, क्योंकि वो लोग उसको बहुत ज़्यादा गाली बकते थे। तो आप जहाँ काम करते हैं, जहाँ रहते हैं, अगर आप किसी को गौरव नहीं दे सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो आपका नुकसान कभी ना कभी करेगा ही। ये है महामंगल सूत्र नंबर 22। 23वां है निपातो चय। निवातो चय का मतलब है निवात, वात माने क्या होता है, हवा, और निवात का मतलब है कि हवा नहीं, यानी निवात का मतलब हो गया कि आपने बिल्कुल शांत रहना है, कूल रहना है एकदम, जैसे हवा नहीं चल रही है, यानी जहां हवा नहीं चलती है वहां पत्ता भी नहीं हिलता है। इसी तरह से आपने अपने मन के अंदर कोई हलचल पैदा नहीं होने देनी है, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी सुनाता रहे, आपने निवातो रहना है, यानी निवात रहना है, बिना वात के रहना है, बिना हवा के रहना है। हवा नहीं चलनी चाहिए आपके अंदर, अगर हवा चली तो पत्ता हिलेगा, पत्ता हिलेगा तो सामने वाला तो पूरा पेड़ हिला रहा है, आपका पत्ता हिलेगा, दोनों में झगड़ा हो जाएगा। तो निवात रहना है, बिल्कुल शांत रहना है, कूल रहना है, काम रहना है, पीसफुल रहना है। यह है महामंगल सूत्र का 23वां मोती। फिर है 24वां संतुष्टि च। संतुष्टि च का मतलब है तुट्ठी माने जो होता है, संस्कृत भाषा में तुट्ठी को बोलते हैं तुष्टि। आपने टीवी में बहुत सुना होगा कि देखो ये एक समुदाय के तुष्टिकरण के लिए ये काम कर रहे हैं, ये इसको तुष्टि करने के लिए काम कर रहे हैं, उसको तुष्टि करने के लिए काम कर रहे हैं। बेसिकली तुट्ठी पाली का शब्द है, तुट्ठी से तुष्टि बना है, शैतो पाली में होता नहीं, तो तुट्ठी के लिए ये काम करें। तुट्ठी माने होता है प्रसन्नता के लिए, खुश करने के लिए। तो तुट्ठी के लिए अगर कोई, अगर मेरी तुट्ठी के लिए कोई काम करे और मुझे फोन करके कहे कि जी मैंने आपका ये कर दिया, ये कर दिया, तो वो तुट्ठी के लिए काम हो गया। और से लगा देते हैं अगर पहले, तो से माने होता है निज, यानी मेरा। संतुट्ठी, से तुट्ठी का मतलब है संतुट्ठी या संतुष्टि, यानी कि निज की प्रसन्नता के लिए काम करना। अब अपनी प्रसन्नता के लिए काम कैसे करना है, क्योंकि ऐसा सोच सकते हैं कि भाई अपनी प्रसन्नता के लिए अगर काम करेंगे तो हम तो बहुत ज़्यादा मतलबी हो गए, अगर हम मतलबी हो गए तो फिर ये तो गुण अच्छा रहा नहीं।
अपनी संतुष्टि का मतलब यह है कि आपने जो काम किया है अगर वो आपको खुशी देता है तो इसका मतलब काम वो ठीक है, प्रसन्नता देता है तो, और अगर वो सबको प्रसन्नता देता है तो वो काम बिल्कुल ठीक है। आपने चोरी की तो आपको संतुष्टि नहीं होगी, अगर आपने खाना नहीं बनाया, घर में काम नहीं किया तो आपको संतुष्टि नहीं होगी। आप जो काम कर रहे हैं आपने पूरी तरह से नहीं किया तो संतुष्टि नहीं होगी, यानी आपको खुद को प्रसन्नता नहीं होगी। आपने किसी को मारा तो आपको खुद को प्रसन्नता नहीं होगी, संतुष्टि नहीं होगी। तो आप अगर खराब काम करेंगे तो आपको संतुष्टि नहीं होगी, और अगर आप सही काम करेंगे तो संतुष्टि होगी। तो इसलिए संतुष्टि आपको होना चाहिए, संतुष्टि तभी होगी जब आप अच्छा काम करेंगे। यह है महामंगल सूत्र का जो रत्न है, मणि है, ज्वेल है, हीरा कह सकते हैं इसको या मोती कह सकते हैं, नंबर 24। और 25वां है कृतज्ञता। कृतज्ञता जो है उसको बोलते हैं कृतज्ञता, यानी कि पाली में कृतज्ञता बोलते हैं और संस्कृत भाषा में कृतज्ञता बोलते हैं। कृतज्ञता का मतलब है कत और यात, कत यात से बना हुआ है, यानी कत और ज्ञान, कत और जानकारी, यानी की हुई जानकारी, यानी जो काम हमने किया है उसकी जानकारी। इसका मतलब क्या हुआ, किसी ने हमारे लिए कोई काम किया अच्छा, तो हमें वो काम याद रहना चाहिए, उसकी जानकारी रहनी चाहिए कि फलाने आदमी ने हमारे साथ में ये अच्छा काम किया था। तो ये कृतज्ञता हो गई, कत यानी कत ज्ञात, ज्ञाता हो गई, कत ज्ञाता मतलब कृतज्ञता हो गई। तो हमें वो काम अगर याद रहेगा तो बदले में हम उसका आभार जताएंगे, उसको धन्यवाद करेंगे, उसके काम आएंगे और कोशिश ये करेंगे कि जो उसने हमारे लिए काम किया है बदले में हम उसके लिए वो काम करें ताकि हम उसका आभार चुका सकें, या जो मदद हम कर सकें वो उसकी मदद हम करें। तो हमें अगर किसी ने हमारे लिए कोई काम किया है तो हमको हमेशा याद रखना चाहिए, और हो सके तो याद रखते हुए उसका आभार प्रकट करना चाहिए और बार बार उसका आभार प्रकट करना चाहिए। ये गुण होना चाहिए, महामंगल सूत्र का ये गुण नंबर है 25। और गुण नंबर 26 है कालेन धम्मस्वनं। कालेन धम्मस्वनं, कालेन का मतलब है समय अनुसार, काल के द्वारा यानी समय अनुसार, और धम्म सवन का मतलब है धम्म का सवर्ण करना चाहिए। सवर्ण क्या मतलब होता है, व्याख्या करनी चाहिए, यानी कि समय अनुसार समय समय पर धम्म की व्याख्या, धम्म की जो व्याख्या है, व्याख्या का मतलब है कि धम्म हमें ऐसा कहता है ऐसा करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, व्याख्यित करना चाहिए, उसकी आख्या करनी चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए समय समय के अनुसार। यह है महामंगल मुत्तमंग, यानी कि अगर ऐसा करेंगे तो ये सारे मंगलों में उत्तम मंगल हैं, महामंगल मुत्तमंग। और यह है महामंगल सूत्र का 8वां, और 26 टोटल पूरे हो गए आपके। धन्यवाद। आपने मंगल सूत्र का नाम सुना होगा, बड़ी बड़ी इमोशनल पिक्चर आती हैं मंगल सूत्र के ऊपर। स्त्री अपनी जान देने को तैयार होती है, मगर जब विलेन यानी जो खलनायक होता है अगर वो मंगलसूत्र पे हाथ डाले तो हीरो को गुस्सा आ जाता है, जो महिला है वो आग बबूला हो जाती है, उसमें शक्ति आ जाती है, मेरा मंगलसूत्र छीना तो समझो मेरे पति के प्राण छीन लिए। ऐसी महिमा मंडित करके मंगलसूत्र की डालते हैं ताकि मंगलसूत्र बिके और व्यापार चले, क्योंकि मंगलसूत्र में जो मनके होते हैं यानी कि जो मणि होती हैं, काले काले मोती होते हैं, वो भी तुलते हैं सोने के साथ में, उनका पैसा लगता है तो उसमें अच्छी कमाई ज़्यादा होती है। मंगलसूत्र बेसिकली एक गले में पहनने का ऐसा एक आभूषण है, एक ऐसा विभूषण है जिसमें काले मनके लगे होते हैं, और ट्रेडिशनली तो पीला धागा होना चाहिए, अभी सोने में भी वो आता है। मैंने बहुत छाना मगर मंगलसूत्र के बारे में आपको इससे ज़्यादा जानकारी कोई देगा नहीं। बेसिकली मंगलसूत्र जो है वो पुरुषों के और महिलाओं के, यानी कि जो नर हैं और नारी हैं, दोनों के ही पहनने की चीज़ है। बच्चे भी पहन सकते हैं, बूढ़े भी पहन सकते हैं, सभी पहन सकते हैं, क्योंकि मंगलसूत्र बहुत कमाल की चीज़ है, उसको पहनना चाहिए। और अगर आप उसे पहनते भी नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मगर उसे मानना जरूर चाहिए, उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। अगर मंगलसूत्र को आप मानते नहीं हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो सच में आपकी जान को खतरा रहता है, चाहे आप नर हैं या नारी हैं या बच्चे हैं या पुरुष हैं या कोई भी आप हैं। मंगल सूत्र का मतलब है जो कल्याण करे, यानी मंगल, और सूत्र यहाँ बोला जाता है पाली में, इसको सूत्र बोलते हैं, यानी कि ऐसे वचन ऐसी बात जो आपका कल्याण करे। और अगर महा लगा दें पहले तो महामंगल सूत्र हो जाता है, यानी कि बड़े कल्याण करने वाले, अच्छा करने वाले सूत्र। इन सूत्रों को, ये सूत्र लोगों का कल्याण करते थे, बुद्ध की वाणी है, 38 उन्होंने बताए, 38
महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए समान है, सभी के लिए बराबर है, खाली महिलाओं के लिए नहीं है। मगर पुरुष ने इन नियमों पर चलना बंद कर दिया, इसलिए पुरुषों ने इसकी महिमा खत्म कर दी और महिलाओं को जबरदस्ती दिया गया कि तुम्हें ये मंगलसूत्र मानने पड़ेंगे, तुम्हें याद रहे इसलिए तुम्हारे गले में ये 19-19 मनकों की माला, यानी कि 19 मोती इधर हैं, मणि इधर हैं और 19 मणि इधर हैं काले रंग की। काले मतलब काले लोग होते थे इसलिए काले हैं। और पीले धागे का मतलब है क्योंकि बुद्ध का जो रंग मानते हैं वो भगवा कलर को पीला रंग भी बोल देते हैं, भगवा कलर का धागा, यानी बुद्ध के वचन है, बुद्ध ने बताया है। तो मंगलसूत्र का मतलब है कि 38 वो बातें जो काले लोगों की हैं और जो भगवान ने बताई हैं इसलिए पीले धागे में हैं, आपको याद रहे इसलिए उनको 38 मनकों को आप गले में डाल लीजिए और बीच में एक धम्म चक्र डाल लीजिए जो बाद में आया, तो आपको याद रहेगा कि ये धम्म की बातें हैं, कल्याण की बातें हैं। ये उसका प्रतीक बना। जब लोगों ने उन बातों पर चलना छोड़ दिया तो खाली ट्रेडिशन रह गया, परंपरा रह गई। लोग ये तो भूल गए कि वो मंगल क्या थे, मंगलसूत्र क्या थे, मंगल वचन क्या थे, वो कौन सी कल्याणकारी बातें थी, वो कौन सी गुड टॉक्स थी, गुड थिंग्स थी जो हमें 38 थी, 38 थी अप्लाई करनी थी। वो गले में 38 मन के बांध के बस काम खत्म हो गया और बाद में व्यापार में बदल गया। जितना जिसको बड़ा मंगलसूत्र जो ले सकता है, सुनार जो थे, जो स्वर्णकार थे, उनके मजे आ गए, वो वहाँ अपना धंधा करने लगे और उसके हिसाब से उनके मंगलसूत्र बिकने लगे। फिर ट्रेडिशन बन गया और फिर मंगलसूत्र को पति की जीवन से जोड़ दिया। बेसिकली तो पति अगर उन पे चलेगा तो उसका जीवन बचेगा, पति अगर नहीं चलेगा तो पति का जीवन खतरे में रहेगा। ऐसे ही अगर स्त्री उन 38 सूत्रों को मानेगी, 38 बातों को मानेगी तो उसका जीवन कल्याणकारी रहेगा, वरना तो डामाडोल रहेगा, खत्म सा रहेगा, चाहे वो सांस ले लेते रहे या जीवित रहे। तो वो जो मंगलसूत्र हैं या महामंगलसूत्र हैं, वो सारे मंगलसूत्र भगवान बुद्ध ने बताए हैं। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। नमोते से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमोते से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमोते से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। Shereenam Gacchami।